लोहगढ़ किला भरतपुर राजस्थान का एक ऐतिहासिक स्थल है जो अपने समय की सैन्य और स्थापत्य उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। यह किला 18वीं सदी के मध्य में महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया था, जो उस समय भरतपुर राज्य के प्रमुख थे। महाराजा सूरजमल ने इस किले को एक सशक्त सैन्य गढ़ के रूप में डिजाइन किया, जिसे उन दिनों के सबसे शक्तिशाली और अभेद्य किलों में से एक माना जाता था। किले की वास्तुकला में भारतीय किलों के पारंपरिक डिजाइन के साथ साथ कुछ अभिनव विशेषताएं भी शामिल हैं। किले की चार दीवारी, जो कि मजबूत और ऊंची है, एक प्रभावी सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करती है। इसके चारों ओर फैली गहरी खाइयां और मजबूत लोहा दरवाजे आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाए गए थे, जिससे किला कई बार हमलों से सुरक्षित रहा। लोहगढ़ किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी वास्तुकला और डिजाइन में प्रयुक्त सामग्री है। किले में प्रयुक्त लोहा और पत्थर की मजबूत दीवारें विभिन्न हमलों के प्रभाव को सहन कर सकती थी। किले के अंदर विभिन्न भवन और संरचनाएं, जैसे कि महल, अस्तबल और मंदिर, उस समय की समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाते हैं। इनमें से कांच महल, जो रंगीन कांच से सजाया गया था, विशेष रूप से आकर्षक है और यह राजसी भव्यता का प्रतीक है। किले के भीतर सुंदर बगीचे और जलाशय भी स्थित हैं, जो न केवल किले की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करते थे, बल्कि यहाँ की सुंदरता को भी बढ़ाते थे। जलाशयों की निर्माण तकनीक उस समय के जल प्रबंधन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बगीचे, जिनमें विभिन्न रंग बिरंगे फूल और पेड़ शामिल हैं, किले के सौंदर्य और शाही वातावरण को बढ़ाते हैं। लोहगढ़ किला आज भी राजस्थान के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में एक प्रमुख स्थान रखता है। इसका संरक्षण और रखरखाव इस किले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने में मदद करता है। पर्यटक यहां आकर न केवल किले की वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व को समझ सकते हैं, बल्कि भारतीय किलों के निर्माण और सैन्य रणनीति के बारे में भी जान सकते हैं। यह किला भारतीय स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भारतीय इतिहास और पर्यटन के प्रेमियों के लिए एक अमूल्य सौगात है।